नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के साहिबगंज के नगर थाना में शांति समिति की बैठक। साहिबगंज नगर थाना में दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को शांति समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता सदर SDO अंगार नाथ स्वर्णकार ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। शांति व्यवस्था बिगाड़ने का दुस्साहस न करें कोई, वरना कानून में दी गई हदों तक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि पूर्व में भी यहां के शांति प्रिय लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में एक दूसरे को सहयोग किया है, इस बार भी सभी का सहयोग प्रशासन को मिलेगा। असामाजिक तत्व होश में आ जाएं, क्योंकि प्रशासन ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है। SDO ने बताया सड़कों व स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जगहों पर दंडाधिकारी व सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। CCTV व ड्रोन कैमरों से निगरानी होगी। SDO से शांति समिति सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण दुर्गा पूजा में एक दूसरे को सहयोग करने की बात कही। वहीं SDO ने कहा कि किसी प्रकार का किसी भी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार का अफवाह सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से फैलाने की कोशिश करने वालों व शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। बताया कि विसर्जन के दिन शाम 5 बजे तक प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्वक तरीके से कर लेने की सहमति पूजा समितियों ने जताई है। उन्होंने पंडालों में अग्निशमन व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। वही कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार DJ पर प्रतिबंध रहेगा, आदेश नहीं मानने पर लाउडस्पीकर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वही DJ जब्त कर लिया जाएगा। साउंड हर हाल में 90 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। शराब पीने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी। मौके पर इंस्पेक्टर अमित गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। साहिबगंज से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। बैठक को लेकर सर नगर थाना में क्या क्या निर्णय लिए? देखिए, ये नगर थाना में जो शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, इसमें RPF के लोग थे, थाना प्रभारी थे, नगर परिषद के लोग थे, इंजीनियर थे और सभी शांति समिति में जो पूजा पंडाल वाले कमेटी थे उनके लोग। हम लोगों ने जुलूस के रास्ते, टाइमिंग, जुलूस में होने वाले किसी संभावना को लेकर विचार किया, बातचीत किया। जुलूस के 5 बजे शाम तक विसर्जन का समय शुरू हुआ है। कोई रूट परिवर्तन नहीं होगा, DJ का कोई प्रयोग नहीं होगा, शस्त्रों का कोई धारदार मारदार ये सब गन्स वगैरह का इसमें प्रदर्शन नहीं होगा। सभी लोगों ने इसमें सहमति प्रदान की है। इसके बाद में ये हुआ है कि सभी लोग अपने निर्धारित मार्ग पर घूमते हुए 4 से 5 बजे तक ग्रीन होटल के पास पहुंचेंगे और उसके बाद में कुंडली पड़ा होते हुए अपना आराम से वो विसर्जन के लिए पहुंच जाएंगे। विसर्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पे गोताखोर, 2-3 बोट, हाइड्रा, बिजली और मजिस्ट्रेट और फोर्स की व्यवस्था कर दी है ताकि वहाँ किसी प्रकार के न्यूसेंस नहीं हो। और जो NGT के दिशा निर्देश है उसके अनुसार हम लोगों को गंगा में प्रदूषण नहीं हो इसको निर्धारित करते हुए एक बूथ के अंदर विसर्जन करेंगे और उसको अविलंब वहाँ से निकलवा लेंगे ताकि गंगा में प्रदूषण नहीं। सर विद्युत के बारे में क्या? देखिए, विद्युत के बारे में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल बिल्डिंग में देखकर इलेक्ट्रिसिटी वालों से बात की है। उनको हमने डायरेक्शन दे दिए हैं कि जिस क्षेत्र से जुलूस जब निकल रहा हो उस समय सीमा के अनुरूप आवश्यक और ज़रूरत होने पर बिजली काट दें और जब जुलूस वहाँ वापस लौट जाए और खतरा नहीं है उसमें बिजली दे ना अनावश्यक बिजली काटें और ना ही ऐसा कोई काम करें कि उनके गलती से फायर बिजली का कोई एक्सीडेंट हो जाए और कहीं तो बिजली काटने का जो वो है टाइम रहेगा वो सिविल इंजीनियर अपने जो मूवमेंट करने वाली टीम है उनके साथ डिसाइड करेंगे। और पहले भी अनुभव रहा है कि बिजली काटने से दिक्कत बहुत होती है तो जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ बिजली नहीं कटे लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बिजली कटे और जल्दी विसर्जन हो जाए तो ठीक। इसको देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि विसर्जन हम लोग 5 बजे तक खत्म कर लें ताकि रात में बिजली काटने की जरूरत नहीं है।